विषय है साहित्य और सांस्कृतिक मूल्य बोध। और आप लोगों मैम अभी बातचीत शुरू करें उससे पहले बताना चाहूंगी कि मैम ने मुझे पढ़ाया है और मैम मैत्रेयी कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से हैं, वहां वाइस प्रिंसिपल रही हैं मैम, और 42 वर्षों का मैम का शैक्षणिक अनुभव है। साथ ही बताना चाहूंगी कि मैम का जो कार्य है शोध कार्य वो उपनिषदों पर है और मैम ने कबीर के साहित्य को हमें पढ़ाया, कबीर को पढ़ाने के साथ ही मैम ने अपने जीवन में कबीर को जिया है। सो मैम हमें जब से पढ़ा रही थी, मैं आज से 30 साल पहले मैम से पढ़ रही थी। विशाली बेटा, विशाली विशाली ये साउंड नहीं आ रही, ये वहां की प्रॉब्लम है कौन की? नहीं, हमने तो अपना हाँ अनम्यूट किया। हाँ हेलो मैम, आवाज आ रही है? हाँ, बीच में नहीं आ रही थी आवाज। हाँ जी, हाँ जी मैम, बीच में चली गई थी मैम, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था। हाँ, सो अभी ठीक हो गई है। तो मैम हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और मैम ने न केवल हमें पढ़ाया है बल्कि बढ़ाया भी है, और आज जहाँ हम पहुंचे हैं वो मैम की वजह से ही पहुंचे हैं। तो मैम आपको बहुत बहुत नमस्कार, आपका बहुत बहुत अभिवादन। मैम का जो PhD का काम हुआ है वो सावित्री और कामायनी की चेतना का तुलनात्मक अध्ययन, उस पर मैम ने काम किया है। और जो मैम का बहुत महत्वपूर्ण जो परियोजना रही है, जो प्रोजेक्ट वर्क रहा है, वो मैम का रहा है लीला दर्शन और हिंदी का कृष्ण भक्ति काव्य। इसके अलावा मैम का जो शोध कार्य है वो कृष्ण लीलाओं के प्रतीकात्मक अर्थों की खोज, इस पर भी मैम का जो है वो शोध कार्य रहा है। मैम का बहुत सारी पत्र पत्रिकाओं में लेख हैं और बहुत से विद्यार्थियों ने मैम के निर्देशन में ही अपना PhD का काम किया है। तो मैम के साथ आज जुड़कर मुझे बहुत खुशी हो रही है और मैम ने बड़ी मुश्किल से मेरे इस आग्रह को स्वीकार किया और इतनी दूर बैठी हैं मैम दुबई में, लेकिन आज मुझसे जुड़ रही हैं, हम सभी से जुड़ रही हैं। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस निवेदन को स्वीकार करने के लिए। और अब मैम हमसे बातचीत करेंगी साहित्य और सांस्कृतिक मूल्यों बोध पर। मैम बहुत से विद्यार्थी आपके यहाँ पर हैं जो ये FDP कार्यक्रम कर रहे हैं, वो भी हमसे जुड़े हुए हैं। तो आपका मैम बहुत बहुत स्वागत। और अब मैम मैं कहती हूँ कि वो अपनी बातचीत शुरू करें ताकि हम मैम को सुन पाएं और फिर से मैं उस अनुभव में पहुंच पाऊँ जो आज से 30 वर्ष पहले मैं क्लास में बैठ कर लिया करती थी। तो मैम आपका बहुत बहुत अभिवादन। विषय जो है आज का, उस पर जितना कम बोला जाए वो भी कम रहेगा और जितना ज्यादा बोला जाए वो भी कम रहेगा। इस विषय की कोई सीमा नहीं है, पर मुझे सीमा में अपने आप को बांध करके ही यहाँ अपनी बात रखनी है। जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व यहाँ पर है वो है संस्कृति। अगर संस्कृति को हमने समझ लिया तो उसके बाद जो साहित्य में या समाज के किसी भी रूप में जो उसका प्रतिबिंब झलकता है वो स्वतः ही स्पष्ट हो जाएगा। हमारे यहाँ संस्कृति की परिभाषा दी गई है, हमारे कहा गया दोषापनेन गुणावधानेन वा संस्कारः। संस्कार करते दोषापनेन, दोष को दूर कर देना, गुणावधानेन गुण को लाना संस्कार है। इसीलिए जो बर्तन साफ करने वाला है, कलई करने वाला है, उसको संस्कर्ता कहते हैं, क्योंकि वह उसके अंदर चमक लाता है, उसको उसकी मैल को हटाता है और उसके अंदर चमक को प्रकाशित करता है। तो जो हमारा चित्त है, जो हमारा अंतःकरण है, वो हमारी संस्कृति का आईना है, दर्पण है।
जो संस्कार हैं इसके लिए ऋषि दृष्टि बहुत प्रारंभ से ही जागरूक रही है। ऋग्वेद में एक छोटी सी पंक्ति आई है, न संस्कृतम प्रमिमी था, अच्छे संस्कारों को नष्ट मत होने दो। तो ऋषि दृष्टि कितनी त्रिकालदर्शी थी कि उन्हें ये मालूम था कि एक समय आएगा सबसे ज्यादा संकट संस्कारों पर आएगा, संस्कृति पर आएगा। और कोई भी देश तभी तक जीवित रहता है, तभी तक कोई देश उन्नति करता है, तभी किसी देश की पहचान होती है जब उसकी संस्कृति बड़ी समृद्ध होती है, जब उसकी संस्कृति के जो मूल तत्व हैं वो सबके हृदय को जाकर झंकृत करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है संस्कृति के बारे में। तो जो मानव मन का परिष्कार, एक पंक्ति में कहूंगी, मानव मन का जो परिष्कार करे वह संस्कृति है। और यही बात साहित्य में दिखाई देती है, चाहे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हों, उन्होंने भी हृदय के परिष्कार की बात कही। और चित्तवृत्ति परिष्कार अगर ये नहीं हुआ तो साहित्य ने अपना काम ईमानदारी के साथ नहीं किया। तो संस्कृति के बारे में, संस्कार के बारे में हमारे यहाँ समय समय पर बहुत कुछ सूत्र दिए गए हैं। हमारी संस्कृति का आधार रहा है हमारी गुरु परंपरा, ऋषि परंपरा। और ऋषि परंपरा और गुरु परंपरा से जो हमें संस्कृति आगे जाकर के हमें प्राप्त हुई है उसके बारे में शास्त्र क्या कहता है, हमारे दर्शन क्या कहते हैं, इस पर थोड़ा विचार करना पड़ेगा। यास्क मुनि ने अपने निरुक्त में विद्या की देवी की एक मानसिक स्थिति को स्पष्ट किया है। विद्या की देवी जो है वो ब्रह्मवेता के पास, आत्मवेता के पास जाकर गुहार लगाती है। वो कहते विद्या हुई ब्राह्मणम अजगाम, कि विद्या की देवी ने, यहां ब्राह्मण का अर्थ कोई जाति से नहीं है, ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति, जो ब्रह्म को जानते हैं वो ब्रह्म है। तो यहाँ ब्राह्मणम का अर्थ है जो विद्या का अर्जन और विसर्जन करता है। उस गुरु के पास, उस आचार्य के पास विद्या की देवी गई, विद्या वही ब्राह्मणम आ जगाम, उसको जाकर जगाया और कहा शैवधिष्ठ्यमस्मि, मैं तुम्हारा खजाना हूं और मुझे इन तीन लोगों से बचा कर रखना, माम ब्रूह्य असूयकाय अनरिजवाय अयताय वीरवती यथास्याम, कि इन तीन से मुझे बचा कर रखना। पहले नंबर पर कहा असूयक, जो दूसरे का उत्कर्ष देख करके जलता है जिसे असूया होती है उसको असूयक कहते हैं, तो उस असूयक से मुझे बचाना। सॉरी फिर कहा अनरिजवाय, जिसका हृदय सरल नहीं है, जिसका हृदय सरल नहीं होगा वहां अगर ज्ञान जाएगा, वहां अगर शिक्षा जाएगी तो वह जाकर के कुटिलता ही पैदा करेगी। तो संस्कृति के निर्माताओं ने पहले से ही कितने स्पष्ट संकेत दिए हैं, अनरिजवाय इसका अर्थ जिसका हृदय रिजु नहीं है, सरल नहीं है। और तीसरा का अयताय, जिसका अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है, इन तीन से मुझे बचा कर रखना। और आज के इस जीवन में यदि हम देखें तो अगर ये तीन चीजें सुरक्षित हैं तो भारतवर्ष सुरक्षित है, भारतीय संस्कृति सुरक्षित है। पर इसके ऊपर घोर घोर आपत्ति आई हुई है, इसका अकाल पड़ चुका है। और अगर इसे शुरू से ही सजग रखा जाता और हमारी इस संस्कृति के मूल आधार पर अगर शिक्षा को स्थापित किया जाता तो आज स्थिति कुछ दूसरी ही होती। हमारे यहाँ संस्कृति के कई हमें सूत्र मिलते हैं, कई रूप मिलते हैं, कभी तो हमें आम बोलचाल के भाषा में मिलते हैं। मुझे याद है जब मैं बहुत छोटी थी, बहुत ही छोटी, तो हमारी गली में एक भिक्षा मांगने के लिए एक व्यक्ति आता था और वो क्या कहता था, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण। जब मैं बड़ी हुई तो उसके बाद मैंने सोचा कि देखिए एक भिक्षा मांगने वाला व्यक्ति भी गली में जा रहा है और वो बोल क्या रहा है। ये भारतीय संस्कृति का बहुत बड़ा सूत्र है, ये सारे धर्म सब कुछ एक तरफ है, उसके मूल में क्या है, दया धर्म का मूल है। अगर दया नहीं है तो संस्कृति नहीं, दया नहीं धर्म नहीं, दया नहीं मानव नहीं, दया नहीं मानवतावाद नहीं, दया नहीं चित्तवृत्ति नहीं। और वो चित्तवृत्ति तो होगी तो कैसी होगी, जड़ होगी,
दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। अभिमान के आते ही सारा का सारा जीवन का संचित ज्ञान जो है वो नष्ट हो जाता है, वो पाप का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया ना छोड़िए जब लग घट में प्राण, जब तक घट के अंदर प्राण है उस दया को नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये एक सूक्ति वाक्य है, ये हमारी संस्कृति को बताता है। ऐसे जीवन में हमारे खान पान आचरण में, जीवन के छोटी छोटी गतिविधियों में हमारी जो संस्कृति है वो झलकती है। अगर उसका उसकी व्याख्या करना चाहो तो बहुत समय लगता है, पर मैं हमारी संस्कृति के कुछ उत्कृष्ट उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। इसी ही गुरु शिष्य परंपरा में अगर हम देखते हैं तो पुराने समय में हम देखते हैं कि गुरु उपशक्ति का बहुत महत्व है, कि गुरु के शरण में जाकर के शिक्षा का अर्जन करना, इसका अर्थ है सानिध्य से पास रह करके। ठीक है, ये हम वीडियो के द्वारा जो बात कह रहे हैं इसका असर होता है, पर आमने सामने बैठ करके जो आदान प्रदान होता है, शंकाओं का जो निराकरण होता है, जो जिज्ञासा प्रस्फुटित होती है, उसका स्वरूप ही दूसरा होता है। तो इस भारतीय संस्कृति के हमारे कई रूपों में छोटे छोटे रूप हैं, जिसे कहा गया तेजस्विना अवधितमस्तु, कि हमारे गुरु और शिष्य का पढ़ा लिखा तेजस्वी हो। मां विद्विषा वही, हम एक दूसरे के साथ द्वेष ना करें। सहना नवतु, वह परमात्मा हम दोनों की साथ साथ रक्षा करें। सहनो भुनक्तु, वे हम दोनों का साथ साथ पालन पोषण करें। ये हमारी संस्कृति है। इस एक संस्कृत की एक पंक्ति को ले लो कि तेजस्वी ना अवधितमस्तु, यदि पढ़ा लिखा तेजस्वी नहीं है तो वह जीवन में कभी भी निर्माण नहीं करेगा, कभी भी सुपथ की ओर नहीं ले जाएगा। तो संस्कृति के ये हमारे मूल दंड मापदंड हैं जो हमें जीवन में आगे की ओर ले जाते हैं। और इस गुरु की इस परंपरा को तुलसी में आप देखिए, कबीर में देखिए, सूर में देखिए, आप कहां नहीं देखेंगे। तो वो जो गुरु परंपरा से प्राप्त ज्ञान है, वो संस्कृति के का वो जो तत्व है, उसके आज के जीवन में बहुत महत्व है। उसके मैं कुछ उदाहरण आपके सामने अवश्य रखूंगी। जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस की रचना की तो सबसे पहले उन्होंने गुरु से प्राप्त जो ज्ञान है उसको किस प्रकार से नमस्कार निवेदन किया। पहले तो साहित्य निर्माण की बात उन्होंने किया कि साहित्य बना कैसे। वर्णानाम अर्थसंगानाम रसानाम छंद सामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। सबसे पहले वाणी सरस्वती की और विनायक गणेश जी की स्तुति की कि कार्य निर्विघ्न रूप से हो। उसके पश्चात उन्होंने कहा भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम्। वंदे बोध मयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो हि वक्त्रोपि चंद्रा सर्वत्र वंदते। तो गुरु को शंकर का रूप बताया गया। तो इस परंपरा से हमने शिक्षा अर्जित की है और ये जो संस्कृति हमारी है वो आगे कबीर में भी हमें दिखेगी। तुलसी के अगर प्रारंभ में ही हम ले लें तो श्री गुरु पद नख मन गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि है होती दलन मोह सम सो प्रकाशु बड़े भाग उर आवही जासु उगरही विमल विलोचन ही के मिटही दोष दुख भव रजनी के सूझही राम चरित मनि मानिक गुपत प्रगट जय जो जही खानी। तो ये जो परंपरा से संस्कृति से जो हमें मिला है वो जब साहित्य में आया है, संस्कृति और साहित्य जब मिल जाते हैं तो उनका जो मणिकांचन संयोग बनता है वह पूरी की पूरी हमारी परंपरा को, हमारे देश को, और जब तक ये देश रहेगा और जब तक संस्कृति के ये मानदंड रहेंगे इसको कोई क्षति पहुंचा नहीं सकता। दया माया करुणा अहिंसा परोपकार उदारता, ये सारे तत्व हमारी संस्कृति में समाहित है। हमारे यहाँ तो यहाँ तक आ गया है कि अगर हमें उपभोग भी करना है तो देखिए हमारी संस्कृति उपभोग से मना नहीं करती, पर उपभोग से पहले त्याग की बात करती है। अगर त्याग नहीं है, उपभोग करेंगे तो व्यक्ति कैसा हो जाएगा, इसे कहते हैं आत्म केंद्रित, उसे कहते हैं तनुमानी। और हमारे यहाँ तनुमानी को राक्षस कहा गया है। असुर का अर्थ यही है, अश्वा प्राण, जो प्राणों में रमण करे। तो संस्कृति ने हमें कैसे उपभोग और उपभोग के साथ त्याग, इन दो बातों को संस्कृति ने हमें बताया है।
ईशावास्य उपनिषद का जो पहला मंत्र है उसमें यही बात बताई गई है, ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीता मा गृधा कस्य स्विद्धनम। का उपभोग करने में कोई बुराई नहीं, क्यों ना उपभोग करें, जब ये प्रपंच है, दुनिया प्रपंच है, रूप का, रस का, गंध का, शब्द का, स्पर्श का फैला हुआ व्यापार है, तो उसका उपभोग तो करना है, पर कैसे करना है, त्याग पूर्वक। जब त्याग की भावना आएगी तो लालसा खत्म हो जाएगी, लिप्सा खत्म हो जाएगी, उसे अपने तक सीमित करने की भावना समाप्त हो जाएगी। और मां गृधा कस्य स्विद्धनम, किसी के धन की आकांक्षा मत करो। ये अगर व्यक्ति जीवन में अपना ले तो जीवन ही बदल जाता है। तो ये हमारी संस्कृति के अक्षय स्रोत हैं, और इन अक्षय स्रोतों पर जब साहित्य निर्मित होता है तो वो साहित्य जीवन में आनंद देता है, वो साहित्य जीवन का विकास करता है। अगर इसी दृष्टि से अगर हम देखें, इसी परंपरा को देखें, जिसमें कि विद्या की देवी ने जो गुहार लगाई है और कहा है कि मेरे इस तरह से मुझे बचा कर रखो, और गुरु परंपरा से शिक्षा को लिया, तो उसके लिए कबीर ने अपने हृदय की कृतज्ञता ज्ञापित किया। वो कबीर तो कहते हैं कि दीपक दिया तेल भरी बाती दई अघट पूरा किया बिसाऊणा बहुरी न आवो हट। कि मेरे गुरु ने मुझे ज्ञान का लबालब, ज्ञान का दीपक दिया लबालब तेल से भरा हुआ, और बाती दई अघट, और ऐसी वर्तिका दी जो कभी भी कम होने वाली नहीं है। ज्ञान ऐसा ही है जो कभी भी समाप्त नहीं होता, वो ज्योति है, वो प्रकाश है, और जहां प्रकाश है वहां अंधकार हो ही नहीं सकता। तो दीपक दिया तेल भरी बाती दई अघट पूरा किया बिसाऊणा। कबीर कहते हैं मैंने इस संसार में आकर अपना पूरा व्यवसाय पूरा कर लिया, बहुरी न आवो हट, अब इस बाजार में, इस दुनिया में नहीं आना। और कबीर साहब ने गुरु को लेकर के इतनी साखियां वर्णित की हैं, इतनी वाणी में है कि अगर उनके 2, 4, 6, 8, 10 जितने भी उदाहरण दे दिए जाए कम है। पर गुरु के लिए सबसे बड़ी बात क्या है, अहंकार का विसर्जन। अगर अहंकार का विसर्जन कर दिया है तभी गुरु का जो ज्ञान है वो हमें जीवन में कुछ दे सकता है। तो गुरु और गोविंद दोनों जब खड़े हैं तो किसके पांव लगना है, ये भी जो निर्देश है ये कहाँ से प्राप्त होता है, गुरु से। और जो गुरु गुरुत्व का निर्वाह नहीं करता, ऐसा गुरु कितना खतरनाक है, कबीर ने ये भी चेताया है। जाका गुरु भी आंधला चेला निराखरन अंधे अंधा ठेलिया दोनों कुपलन। तो जा व्यवसाय हो रहा है, लेन देन हो रहा है, जो शिक्षक अपने शिष्य के अंतःकरण में पड़े हुए संशय के कांटे को दूर नहीं करता वो शिक्षक नहीं हो सकता। हमारे यहाँ इसीलिए जब सारी शिक्षा ले ली गई तो उसके बाद क्या दक्षिणा क्या देनी है, कहा दक्षिणा ज्ञान संदेशा, जो ज्ञान लिया है उसका संदेश दूसरे तक पहुंचाना, यही शिक्षा है। तो जो भारतीय शिक्षा है उसके मूल में मानवतावाद है, उसके मूल में जीव मात्र का कल्याण है, सारे सृष्टि का कल्याण है, भूत दया का विस्तार है उसके अंदर, सर्वहित की भावना है। ये छोटी छोटी कितनी ही बातें हैं जो हमें अपने इस रूप की ओर आगे ले जाती हैं। बहुत बचपन में एक श्लोक पढ़ा था, सारा श्लोक तो नहीं पर उसकी एक पंक्ति है जो हमें अधीन होना सिखाती है, जो हमें स्वाभिमान से जीना सिखाती है। वह यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरता मां ब्रूही दीनम वचा। चातक को सावधान करते हुए कहा गया, वैसे तो रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षण क्षुयता। मैं पूरा श्लोक नहीं बोल रही, मैं लास्ट की पंक्ति आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ कि यम यम पश्यसि जिस जिस को देखो तस्य तस्य पुरता उसके आगे मां ब्रूही दीनम वचा दीन वचन मत बोलो। तो दीनता हमारी संस्कृति को जो अपनाता है तो जीवन में से दीनता चली जाती है, मन उदात हो जाता है, और उदात मन परिष्कृत मन है वही चित्तवृत्ति है। और जब चित्तवृत्ति हमारी निष्णात हो जाती है, चित्तवृत्ति जब परिष्कृत हो जाती है तो साहित्य और संस्कृति दोनों अपना काम पूर्ण कर देते हैं। इसीलिए कबीर ने बहुत महत्व दिया इस चीज के ऊपर, उन्होंने कहा कि नाना काती चित्त दे महंगे मोल बिकाई गाहक राजा राम है और न नेड़े आई।
देखिए जो हमारा मन है, जो हमारी चित्त वृत्ति है, वो स्थूल का चिंतन करके स्थूल होती है और सूक्ष्म का चिंतन करके सूक्ष्म होती है। तो कहा नाना काती चित्त दे, इस चित्त को नाना मैंने बारीक से बारीक इसको करो तो सूक्ष्म का चिंतन करके स्थूल का चिंतन हटा देना। इसका क्या है? काम क्रोध लोभ मोह मद अहंकार रजोगुण तमोगुण इसको दूर करना, यही सूक्ष्म रूप है। तो नाना काती चित्त दे महंगे मोल निकाय। आपको पता है ढाका की जो मलमल है वो बड़ी बारीक होती थी, अंगूठी में से निकल जाती थी। तो जो और कबीर जोलाह थे, उन्होंने कातने बुनने का काम किया, तो इसलिए उन्होंने अपनी जोलाह जो कर्म है वहीं से उन्होंने ये दृष्टांत दिया। तो नाना काती चित्त दे महंगे मोल निकाय। गाहक राजा राम है, क्योंकि और किसी में सामर्थ्य नहीं है उस चित्रवृत्ति को परखने की, तो वो राजा राम है। और ना नेड़े आई, और तो कोई समीप भी नहीं आ सकता। तो कबीर का जो राजा राम है, जो सब में रम रहा है, सब जिसमें रम रहे हैं, वह सत चित आनंद ब्रह्म वो आत्मा ही राम है। तो वहां तक जाना है, इसका अर्थ क्या है? परम सुख की ओर जाना है, शांति की ओर जाना है, श्रेष्ठ पथ की ओर जाना है, कल्याण के पथ की ओर जाना है, अपना कल्याण करना है। तो अपने मन को कैसे बनाओ? स्थूल नहीं, सूक्ष्म बनाओ। इस तरह से जीवन के कितने ही रूप हैं। और कबीर ने अगर इस तरफ का मार्ग लिया है तो उससे पहले उन्होंने अपने अहंकार का विसर्जन किया, अपने संग्रह की वृत्ति का त्याग किया है। हमारी संस्कृति संग्रह की वृत्ति का त्याग करना बताती है। कबीर से बड़ा संग्रह को त्याग करने वाला कौन हो सकता है? वो कहते हैं हम घर जाला आपना लिए मुराड़ा हाथी, अब घर जानू तास का जे चले हमारे साथी। कहते मैंने तो जलती हुई मशाल हाथ में ले ली है और मैं तो घर फूक कर तमाशा देखने वाला हूँ, और मेरे साथ वही चलेगा जो अपना घर फूक कर तमाशा देखे। तो घर फूक कर तमाशा देखने का क्या है? जो घर के प्रति आसक्ति है, उस आसक्ति को मैंने समाप्त कर दिया। तो ये भारतीय संस्कृति के जो उच्च रूप है वो हमें अपने साहित्य में सर्वत्र मिलेंगे। अब मैं इसके लिए थोड़ा सा तुलसी का बता दिया, कबीर का बता दिया, मैं थोड़ा सा प्रसाद जी की ओर जाना चाहूंगा। और प्रसाद जी ने अपनी कामायनी में प्रसाद का जो साहित्य है, अगर हम उसका प्राकथन पढ़े तो उसमें एक सूत्र दिया है रत्नशंकर प्रसाद जी ने कि दुख दग्ध जगत और आनंद पूर्ण स्वर्ग का एकीकरण, ये प्रसाद साहित्य का उद्देश्य है। कि जगत कैसे है? दुख से दग्ध, और उसका मिलान किससे हो? आनंद पूर्ण स्वर्ग से। इसका अर्थ क्या है कि जीवन में क्या है? करुणा आए, जीवन में क्या है? उदात्तता आए, जीवन में हमारे क्या आना चाहिए? जीवन में हम श्रेष्ठ पथ की ओर जाएं। तो उसके लिए प्रसाद जी ने जो प्रारंभ कामायनी का जो शीर्षक भी दिया है वो भी बड़ा सोच समझ कर दिया। प्रारंभ में जो मनु है वो पाशव दशा का जीव बना हुआ है, रो रहा है, वो संस्कृति का अगुआ है जिसका सारा विनाश उसने खुद किया है। ये जो कोरोना का जो अब संकट चल रहा है ये उसकी एक झलक वहां भी है, और भयानक झलक है वहां भी। वो देव संस्कृति का अगुआ था, रिप्रेजेंटेटिव था, उसका प्रतिनिधि था, और अब बैठकर रो रहा है। अगर पहले ही अपने ऊपर नियंत्रण कर लेता तो वो जो प्रलय जल्दी में सब कुछ उसका बह गया वो ना बहता। तो उस रोते हुए मानव को, उस रोते हुए मानव मन को, उस जीव को जो चिंता में पड़ा हुआ है, उसको आनंद तक ले जाने का श्रेय किसका है? कामायनी का, श्रद्धा का। तो ये हमारा हमारी संस्कृति कहाँ ले जाती है? हमें दुख से कहाँ ले जाती है? आनंद की ओर हमें उठाती है वो। और मानव अपने कर्मों से या कुकर्मों से ही जीवन में सुख और दुख भोगता है। और उस समय मनु को भी प्रकृति ने बार 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 आकर चेतावनी दी, पर जो विलासता के नद में डूबा हुआ है वो आंधी और बिजली और उनके दिवारात्रि नर्तन की देख करके भी अनदेखी कर देता है। और उसके बाद पश्चाताप में क्या कहता है? गया सभी कुछ गया मधुरतम सुर बालाओं का श्रृंगार, उषा ज्योत्सना सा जीवन स्मित मधु सदृश निश्चिंत विहार। अब रो रहा है ना बैठकर, अगर उस वासना सरिता से पहले निकल जाता तो यह नहीं होता। तो प्रकृति तो अपने हिसाब से पाठ पढ़ाती है।
अरे आंधियो ओ बिजली की दीवार रात्रि तेरा नर्तन, उसी वासना की उपासना वह तेरा प्रत्यावर्तन। तो वो प्रत्यावर्तन तो होना ही था, तो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की, उसकी चेतावनी को देखकर अनदेखा किया। वहां जो रोता हुआ मनु है उसको मानवता की ओर ले जाना, उसे आनंद तक ले जाना, उसका उन्नयन करना, उसके लिए भी भारतीय संस्कृति यहाँ अपना कार्य कर रही है। भारतीय संस्कृति का एक सूत्र आप जानते हैं, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, और जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादभिगृह्यसि। जिस घर में, जहां भी, जिस समाज में नारी का सम्मान नहीं होगा, वहां कभी भी सुख संपदा नहीं हो सकती। मनु ने यही किया, जो सम्मानित करना था जिसको नहीं किया, और बाद में भी पश्चाताप, बाद में भी श्रद्धा के द्वारा उसे जीवन का मर्म समझा भी दी गया, पर तब भी उसकी पुरानी वृत्तियां जो है वो हावी रहती हैं। और कहां नारी है जो उसे उन्नयन की ओर ले जाती है, जीवन का मर्म सिखाती है। प्रसाद जी ने वहां श्रद्धा को चिति स्वरूपा, चिन्मय रूपा, उस अद्वै शक्ति के रूप में प्रस्तुत किया है। तो नारी जो है वो कल्याणी है, वो उस रोते हुए मनु को उसे कहती है कि तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का अभिषेक प्रभा की धारा से अभिषेक। निर्जन में बैठा हुआ है तो कह, तुम कौन हो तपस्वी, क्यों हो इतने क्लांत तपस्वी, तुम इतने क्लांत क्यों हो, हार बैठे जीवन का दाव, जीते जिसको मर कर वीर। तो वो आकर के उस हताश और निराश मनु के मन में एक, जिसे कहते हैं, संचार करती है, ऊर्जा का संचार करती है, आशा का संचार करती है, उसे जीवन का नया मार्ग दिखाती है, और वो तत्व दिखाती है जिसकी मनु के अंदर बहुत बहुत कमी है। और ऐसे मनु को, उस पार्श्व दशा के जीव को ऊपर उठाना, ये प्रसाद ने श्रद्धा के द्वारा किया, नारी के द्वारा किया, और वो दया माया ममता वो सब समर्पण करती है। प्रसाद के सारे साहित्य में है, इस अर्पण में कुछ और नहीं, केवल उत्सर्ग छलकता है, मैं दे दूं फिर कुछ और ना हुआ, देना है। इसी तरह से प्रसाद के काव्य में आप देखेंगे, ध्रुव स्वामिनी में भी ऐसे कई उदाहरण है, बहुत सारे ऐसे रूप हैं। अगर हम लें एक एक को, ले जितनों को अगर हम स्पष्ट करना चाहें, कोई सीमा नहीं है। और अभी मैं कामायनी का अंत तक जरा जाऊंगी जरूर। उस मनु को जो चिति स्वरूप श्रद्धा है, वो जो नारी है, जब उसके प्रति बाद में मनु समर्पण कर देता है, अभी तक तो बीच बीच में भगोड़ा बन जाता है, स्वप्न सर्ग तक वो भगोड़ा बनता है, ईला सर्ग में जाकर के अकांड तांडव करता है, फिर श्रद्धा को के प्रति जब समर्पित बुद्धि हो जाता है, तब उसके जीवन में सामरस्य आता है। और मनु की विडंबना वही विडंबना है जो हर भटके हुए मानव की विडंबना। स्वप्न स्वाप जागरण भस्मो इच्छा क्रिया ज्ञान में लय थे, दिव्य अनाहत पर निनाद में श्रद्धा युत बस बस मन तन में थे। क्यों, उससे पहले क्या था उसकी स्थिति, जो मनु की स्थिति है वो आज के मानव की स्थिति है। ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके, यही विडंबना है जीवन की। तो इच्छा क्रिया और ज्ञान का जो त्रिपुंड है, उसमें भी श्रद्धा की जो स्मृति है वो जा करके उस त्रिपुर को भर देती है जा करके, और अंत में मनु को वो कहाँ ले जाती है आप सबको बताइए। समरस थे जड़ या चेतन, सुंदर साकार बना था, चेतनता एक विलस्ती, आनंद अखंड घना था। तो रोता हुआ मनु अंत में कहाँ पहुंच जाता है, अखंड आनंद में। तो ये मानव मन की यात्रा है, और ये काम किसने किया है, संस्कृति के उस रूप में जो नारी का तत्व है, और जिसके अंदर करुणा है, दया है, माया है, ममता है, और वो स्वयं आकर कहती है कि आज से जो ये जीवन है ये तुम्हारे पद तल में विश्रांत मैंने समर्पित कर दिया, स्वयं वो प्रेरणा दायिनी बनती है। तो नारी जो है वो किस तरह से प्रेरणा का कार्य करती है। दूसरा प्रसाद की अगर हम दृष्टि देखें, उनके नाटकों में भरा पड़ा है, देवसेना का आप चरित्र देख सकते हैं, और बहुत सारे उनके जो मुख्य पात्र हैं आप उनमें देखिए। अगर विध्वंसक रूप भी है नारी का, जो कि तोड़ फोड़ और विध्वंस करता है, पर प्रसाद की जो चेतना है वो किस पात्र के साथ है, वो उनके नाटकों में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। ध्रुव स्वामिनी के माध्यम से प्रसाद ने
जो राक्षसी विवाह जिस पुरोहित ने करवाया है उसी पुरोहित के द्वारा उन्होंने उस विवाह मोक्ष की समस्या को उठाया है, और उसके लिए भी प्रसाद जी ने जो व्यवस्था दी है वो प्राशर स्मृति के हिसाब से दी है कि नष्टे हते मृते परिव्राज को क्लीवे, इन पांच स्थितियों में नारी को पुनर्विवाह का अधिकार आज से पहले ही प्रसाद ने दे दिया है। इसी तरह से मानव मन के परिष्कार में हर जिसे कहते हैं साहित्यकार ने अपना योगदान दिया है, चाहे आप रस खान को ले लीजिए, चाहे आप सूरदास को ले लीजिए। क्या सूरदास ने कम इसमें योगदान दिया? सूरदास ने तो अपने आप को एक भाव में समर्पित करके जिस तरह से जीवन को आगे अपना स्वरूप प्रस्तुत किया है, चाहे वो अपना वृद्धावस्था का रूप हो, अब मैं जानी देह बुढ़ानी आन के आने सुनी आवत तन की दशा हैरानी के द्वारा, उन्होंने जीवन की क्षणिकता की बात की है, जा दिन मन पंछी उड़ जे हैं ता दिन तेरे तन तरवर के सवे पात झरी जे हैं, या देही को गर्व न कीजे स्वान काग गिद के। इसके माध्यम से उन्होंने बताया क्या है कि जीवन में प्रपंच के प्रति आसक्ति नहीं करनी है, हमें अपने भावों को उदात बनाना है, और उदात भाव के लिए उन्होंने स्रोत कहाँ से लिया? उन्होंने अपने आप को कृष्ण भगवान के प्रति समर्पित किया है। तो भक्ति के जितने भी इस तरह के आचार्य हैं उन्होंने अपने आप को भक्ति के रूप में प्रस्तुत कर दिया। और भक्ति से क्या होता है, जो हमारी संस्कृति में हृदय का जो उन्नयन है ये भक्ति के माध्यम से आता है। इसके लिए कबीर ने एक बहुत सुंदर दृष्टांत दिया कि भक्ति द्वारा सांकरा राई दसवें भाई, मन तो मैंगल हैरिया क्यों कर सके समाई। कि भक्ति का द्वार बड़ा संकीर्ण है। संकीर्ण का अर्थ कंजर्वेटिव नहीं है, यहाँ संकीर्ण का अर्थ है जहां द्वैत को अवकाश नहीं, जहां मैं को अवकाश नहीं, जहां दो पने को अवकाश नहीं। भक्ति द्वारा सांकरा राई दसवें भाई, राई जो अचार में डाली जाती है उसका भी 1/1/10 राई दसवें। और मन तो मैंगल है रहा, और मन कैसा है, मैंगल मत गयन पागल हाथी क्यों करी सके समाई। वह समाये तो कैसे समाये, तो मन को क्या करना पड़ेगा, सूक्ष्म करना पड़ेगा। और मन सूक्ष्म कैसे बनेगा, वो भक्ति के द्वारा बनेगा। और भक्ति के लिए हमें पहले क्या त्यागना पड़ेगा, मन का जो स्थूल रूप है। स्थूल रूप क्या है, जिसमें वासनाएं भरी पड़ी हैं, जिसमें काम है, जिसमें क्रोध है। तो उदात मानवीय भावनाएं जितनी भी हैं वही आकर के हमें जीवन के उन्नयन की ओर ले जाती है। कबीर का एक और बहुत अच्छी साखी है, जन कबीर का शिखर घर बाट सलैली सैल, पाम न टिके पपीलिका लोगन लादे बैल। कबीर कहता है ये मेरा पता है भाई, ये मेरा एड्रेस है। जन कबीर का शिखर घर, मेरा घर शिखर पर है, बाट सलैली सैल, और उस शिखर तक जाने के लिए मार्ग कैसा है, बड़ा रफ टहला है। पाम न टिके पपीलिका, कितना मार्ग है, चीटी जिसका पाव नहीं वहां टिक सकता, इतना रपटैला मार्ग है, इतना सूक्ष्म मार्ग है, इतना फिसलने वाला मार्ग है कि पांव ना टिके पपीलिका लोगन लादे बैल। जहां चींटी का पांव नहीं टिकता वहां लोग क्या लाद कर ले जा रहे हैं, बैल। तो ये बैल क्या है, दुनियादारी के जितने धंधे हैं, ये प्रपंच का जितना विस्तार है, ये काम, ये क्रोध, ये लोभ, ये मोह, ये मद, ये अहंकार, ये षड विकार, ये सब हम लाद कर ले जा रहे हैं। और प्रवेश करना कहां चाहते हैं, शिखर तक। तो वहां तक जाने के लिए कीमत चुकानी पड़ेगी, कीमत सभी ने चुकाई है। और सूरदास का जब ये कहना, ग्वालिन प्रगट्यो पूरन नेहु दधि भाजन सर पर रखती कहती गोपाले ले हो, तो क्या ये भक्ति की कीमत नहीं है कि ग्वालिन ने सिर पर तो रखा हुआ क्या है, दही का बर्तन, उसे कहना चाहिए दूध ले लो, दही ले लो, माखन ले लो, पर वृत्ति कैसी हो गई है। सूरदास कहते हैं ग्वालिन प्रगट्यो पूरन नेहु दधि भाजन सर पर रखती कहती गोपाले लो, वो कहती गोपाल ले लो, गोपाल ले लो। तो ये क्या है, वृत्ति का परिमार्जन। ये वृत्ति का परिमार्जन रसखान में दिखता है। जब रसखान कहते हैं कि काग के भाग बड़े सजनी हरी हाथ से ले लियो माखन रोटी, तो वो क्या है, अपने आप को उस तत्व तक ले जाना, उस आत्म तत्व तक ले जाना जहां जाकर के मन को विश्राम मिलता है, सुख मिलता है। जहां शेष महेश दिने सारे जहां थक जाते हैं जाकर के, उस ब्रह्म को
ताई अहीर की छोकरियां छछिया भर छाछ पे नाच नचावे नाच नचाती है। तो ये रसखान ए हृदय का कौन सा भाव बोल रहा है? उदात भाव, परिष्कृत भाव। और संस्कृति की मैंने प्रारंभ में एक ही परिभाषा बताई थी कि संस्कृति क्या करती है, जो मानव मन का परिष्कार करती है, जो मानव मन का उन्नयन करे वही संस्कृति जो है वो हमें जीवन के सुपथ की ओर ले जाती है। इसी तरह से अगर हम महादेवी वर्मा को देखें, जितना भी साहित्य है उन सभी में ये मानव मन का परिष्कार है, करुणा है, अंधेरे से लड़ने की बात है। अपने आप को तो महादेवी वर्मा ने एक दीपक के रूप में प्रस्तुत किया, उनका दीप शिखा पढ़ने वाला है इस रूप में। और उन्होंने तो कहा तू जल जल जितना होता क्षय वह समीप आता करुणा में। तो जल जल क्षय उस दीपक ने नहीं होना, इस मन ने होना है। ये जो मन है मधुर मधुर मेरे दीपक जल, प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रियतम का पथ आलोकित कर, तू जल जल जितना होता क्षय वह समीप आता करुणा में, मधुर मिलन में मिट जाना। तो ये किसको मिटना है? अहंकार को। और अहंकार मिटेगा तो चित क्या होगा? प्रकाशित होगा। चित प्रकाशित होगा तो अंतःकरण जो है वो प्रकाशित हो जाएगा। और मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो भारतीय संस्कृति है उसके मूल में क्या है? चित का परिष्कार है। और अगर चित का परिष्कार हो जाएगा तो जीवन में हम इन सारे प्रलोभनों से ऊपर उठ जाएंगे। मुझे उपनिषद की एक बात स्मरण आ रही है, याज्ञवल्क जी जो है वो राजा जनक को उपदेश दे रहे हैं, बृहदारण्यक उपनिषद में। और जब राजा जनक को उपदेश देते हैं तो राजा जनक कहता है कि मैं आपको सहस्रों गाय दान में देती हूँ, जब उनके संशय का निराकरण हो जाता है। तो याज्ञवल्क एक बात कहते हैं कि पिता में अमन्यत, मेरे पिता ने कहा था नानु शिष्य हरे तिथि, कि जब तक अपने शिष्य को ज्ञान के द्वारा उपकृत न कर दिया जाए तब तक अपने शिष्य से एक पाई भी नहीं लेनी। तो वो जो इतनी उदात भावना, इतना त्याग, इतना इन प्रलोभनों से ऊपर उठना, तो तभी तो पड़ा हुआ तेजस्वी होगा। और अगर हम अपने जीवन में वो जाका गुरु भी अंदर अंधला ठेला निराखरंद हो जाएगा तो अंधे अंधा ठेलिया दोनों कुपड़ंत। तो जीवन में हर चीज व्यवसाय नहीं होती है, और इस व्यवसाय को तोड़ा किसने है? हमारी संस्कृति ने। हमारी संस्कृति देना जानती है, उदात भाव की ओर ले जाती है, कहा कि जो लिया भी है आगे उसका क्या कर दो, उसी प्रकार से विस्तार कर दो। तो ये संस्कृति के हमारे बहुत ही व्यापक रूप हैं, इस पर जितना कहा जाए उतना ही मुझे लगता है कम है। बाकी आपके जो प्रश्न है आप उनको मेरे सामने जरूर रखिए, उसके माध्यम से हम बात को आगे और बढ़ाएंगे। मैम बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया जो चल रहा था सर मैम वक्तव्य, बहुत ही बढ़िया वक्तव्य रहा। और बहुत सारे प्रश्न मैम यहाँ पर पूछे जा रहे हैं, तो दो तीन प्रश्न हम लेंगे, बहुत सारे प्रश्न तो नहीं ले सकते हैं। सो सबसे पहला प्रश्न मैम पुरुषोत्तम पांडे जी का है, वो है ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, इसका वास्तविक अर्थ वो पूछना चाह रहे हैं मैम। देखिए इसको लेकर के आप सबको मालूम है इतना वाद विवाद वितंडावाद सब कुछ हुआ है, हर एक की अपनी दृष्टि है और हर व्यक्ति उसको अपनी दृष्टि से उसका मूल्यांकन करता है। सबसे पहले मैं ये निवेदन करना चाहूंगी कि ये पंक्ति जो है ये किसके माध्यम से कही गई है। इस पंक्ति का कथन किया गया समुद्र के द्वारा, और वहां समुद्र क्या है? जड़ पात्र है। और आपको पता होना चाहिए कि सुंदरकांड में भगवान राम भी 3 दिन तक विनम्रता से उससे प्रार्थना करते, रिक्वेस्ट करते, और समुद्र जो है वो रास्ता नहीं देता। विने न मानत जल दि जड़, गए 3 दिन बीती, बोले राम सकोप तप, भय बिनु होई न प्रीति, कि बिना भय के प्रीति नहीं होती। तो पहली बात तो ये है कि मान लीजिए आप कोई नाटक पढ़ते हैं, उपन्यास पढ़ते हैं, वहां हर तरह के पात्र होते हैं, पर कौन सा पात्र उस साहित्यकार की आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है वो बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर एक और ढोल गवार शूद्र पशु नारी है तो तुलसीदास ने कहा है सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। और दूसरी ओर उन्होंने कहा मंगलाचरण में ही, दोबारा से दोहरा रही हूं, उद्भव स्थिति संहार कारणी
क्लेश हारणिम सर्वश्रेयस्करिम सीताम नतोहम राम वल्लभाम। मैं सीता जी को जो राम की वल्लभ है उनका उनको मैं नमस्कार करता हूँ। और वो क्या है, उद्भव स्थिति संहार कारिणी। तो ये जो पंक्ति है, पहली बात मैं स्पष्ट करना चाहूंगी, समुद्र के द्वारा की गई है। दूसरा, इसके ऊपर ताड़ना को लेकर के भी कई तरह के अर्थ किए गए हैं, उनमें अपना ही है। यहाँ ताड़ना का अर्थ मारना भी नहीं है, एक है उसका, हो सकता है मेरी इस बात का विरोध हो सकता है, इसलिए मैंने कहा कि इसके अलग अलग है। जाकी रही भावना जैसी की बात है, हर व्यक्ति ने उसको अपने हिसाब से लिया है, पर तुलसी का मूल मंतव्य ये पंक्ति कतई नहीं है। ये जिस पात्र के द्वारा कही गई है वह जड़ पात्र है, तो इसका तुलसी की संवेदना से कुछ लेना देना नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और दूसरा प्रश्न मैम जो मैं ले रही हूँ वो भवानी सिंह जी का है, और वो कहते हैं कि आज गुरु शिष्य परंपरा समाप्त हो गई है और गूगल गुरु का महत्व बढ़ गया है, इस पर आप क्या कहें, क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से समय के साथ परिवर्तन आता है और मैं ये मानती हूँ, पर ये सब है, ये आपको ज्ञान दे देंगे जो संचित ज्ञान है, पर जो आपका हृदय अंदर से आलोकित हो, हृदय प्रकाशित हो जाए और आप वही उस स्थिति पर पहुंच जाए जिस स्थिति पर गुरु पहुंचा हुआ है। कबीर ने कहा, चेतन चौकी बैठी करी सतगुरु दीनी धीर, कि पहले सतगुरु भी किस चौकी पर बैठे, सोने की नहीं, चांदी की नहीं, मणियों की नहीं, चेतन चौकी, इसका अर्थ है अधिष्ठान सब स्टेटम। वो गुरु किस पर टिका हुआ है, चेतन की चिन्मय स्थिति पर। तो जिस स्थिति पर गुरु है उसी स्थिति के ऊपर वो किसको ले जाता है, अपने शिष्य को। इसलिए हमारा शास्त्र कहता है, विद्यते हृदय ग्रंथिश छिद्यंते सर्व संशय क्षीयंते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। गुरु क्या करता है, हमारे हृदय के अंदर जो चित्त और जड़ की ग्रंथि है उसका भेदन कर देता है, ज्ञान और अज्ञान की गांठ जो है वो समाप्त हो जाए। और जो गुरु ये नहीं करता वो गुरु नहीं है, वो महागुरु है, वो लेने देने का व्यापार करता है। इसीलिए मैंने ये पहले ही सूत्र रख दिया था विद्या की देवी के बारे में, और उसने इसीलिए कहा कि मुझे यहां से बचा कर रखना। तो आज भी अगर गुरु है सही रूप में और अगर आपकी जिज्ञासा सच्ची है तो आपको गुरु भी सच्चा मिलेगा। आप 1,00,000 टन घास फूंक करके भी रेलगाड़ी के इंजन को नहीं चला सकते। इसी तरह जब तक जिज्ञासा प्रबल नहीं होगी तब तक आपको गुरु भी नहीं मिलेगा। जो आप बाकी जगह जगह जैसे वो कुकुर मुत्ता की तरह खूब गुरु हैं, पर वो गुरु जो हैं वो कितने गुरु हैं, कितने गुरुडम से भरे हुए हैं, मैं नहीं कह सकती। पर इसी के बीच में काल ने मिने चाहे सारी जितनी थी जड़ी बूटियां वो संजीवनी कर दी थी, पर हनुमान जी को पता था। इसी तरह से आज के युग में भी संजीवनी है, आज के युग में भी गुरु है। और अगर हम चाहते हैं कि हमारा विकास हो और हम आप तत्व का बोध करें, अपने आप तक करें, बात एक है, तत्वमसि एक महावाक्य है। महावाक्य का अर्थ कोई लंबा चौड़ा वाक्य तो होता नहीं है, जो जीवात्मा और परमात्मा की अभेदता या अद्वैतता को व्यापित करते हैं वो वाक्य महावाक्य कहलाते हैं। तो अगर हमें अपने अंदर के संशय विपर्य दूर करने होंगे तब हमें गुरु की आवश्यकता होगी। बाकी जानकारियां और बात है और जानना और बात है। एक बात स्मरण रखिए, जानकारियों का डब्बा नहीं हमें होना, हमें जानना है। और स्वयं को न जाना तो क्या जानना है, यह मानव मनीषा की अवमानना है। न जाने स्वयं को तो सब जानना भी, अविद्या के विभ्रम को सच मानना है, ये पानी बिलोने का हठ ठानना है। स्वयं को न जाना तो क्या जानना है। तो अगर उस रूप में आपको गुरु की जरूरत है तो वो गुरु यही होगा, बाकी नहीं होगा। गूगल आपको जानकारियां इकट्ठी करके दे देगा। बहुत बहुत सुंदर व्याख्या की मैम आपने इसकी। मैम आखिरी प्रश्न मैं ले रही हूँ, डॉक्टर बाहू साहिब का है। ये पूछते हैं कि वर्तमान में संस्कृति का निर्माण कैसे होगा? संस्कृति का निर्माण कोई नहीं कर सकता, परंपरा से चली आ रही है वो संस्कृति, और उसको हमें अपने आचार विचार से आचरण से उसको अक्षुण रखना है। संस्कृति तो हमारी भरी पड़ी है और उसका आगे निर्वहन करना ये हमारे ऊपर, और इसका सबसे बड़ा फिर मैं कहूंगी उत्तरदायित्व गुरु पर आता है, शिक्षक पर आता है। और मेरे हिसाब से अगर कोई चला जाए, अगर कोई मेरी बात मान ले, तो इस समाज में अगर सबसे कोई सम्मानित व्यक्ति होना चाहिए तो वो प्राइमरी टीचर होना चाहिए, क्योंकि बच्चा जो है वो कच्चे फर्श की तरह होता है और वहां से वो संस्कार लेकर आता है, और वो सबसे हाईली पेड होना चाहिए प्राइमरी टीचर।
क्योंकि वो बच्चों के मन का निर्माण करते हैं, जो कोमल मन होते हैं वहां से शिक्षा चलती है। और शुरुआत में ही क्या कर देते हैं आप, बच्चे को तोता रटंत बना देते हैं। बच्चे ने रैपर अगर डस्टबिन में डाल दिया तो इंटेलिजेंट है, और नहीं दिया तो नहीं। कितना बेवकूफी से भरा हुआ होता है जो हम प्राइमरी में बच्चे के एडमिशन के लिए हमारी क्या हालत होती है, ये हमारे शिक्षाविदों को सोचना चाहिए। सबके लिए सर्व सुलभ करनी चाहिए वो शिक्षा, और किसी तरह का ना माँ बाप का इंटरव्यू लेना चाहिए ना बच्चों का लेना चाहिए। तो शिक्षा तो वो है जो हमें जीवन में इस तरह से ओतप्रोत जीवन से कर दे कि हमें अपना पथ प्रशस्त हो जाए। इसलिए आज के युग में क्या, जितने युग आएंगे, संस्कृति का बनाना नहीं, संस्कृति को अक्षुण किसने करना है, हमने अपने व्यवहार से, अपने आचरण से। हमारा आचरण ही हमारी संस्कृति का क्या है, दर्पण है, बताने की आवश्यकता नहीं है। ये तो जीवन में जहां हम जाते हैं, कहते हैं ना गंध सुगंध साथ जाती है, ऐसे हमारे विचारों की भी गंध सुगंध होती है, वो गूगल में नहीं मिलती है, वो जब हम क्लासरूम में बैठते तब मिलती है। एक शिक्षक, एक प्रसन्नचित शिक्षक, जो ज्ञान से भरा हुआ शिक्षक है, वो आपको जब अपना ज्ञान लुटा अपना लुटा देता है तो वो बादल की तरह बरसता है। वो ये देखता नहीं मैंने कहाँ बरसना और कहाँ नहीं बरसना। और उस परंपरा को अगर हम अक्षुण करें तो हमारे चलने में, बैठने में, बोलने में, सब जगह हमारी संस्कृति जो है वो प्रतिफलित होती है। संस्कृति को हमें बस आगे बचा कर रखना है, बनाना नहीं हमें, वो हमारे व्यवहार में है। हमारा कितना भरा पड़ा है, धर्मम चर चोरे मां कुरु अतिथि देवो भव मातृ देवो भव पितृ देवो भव, ये सारा क्या है, हमारे संस्कृति के ही रूप है सारे जितने भी है। बहुत बहुत सुंदर मैम, बहुत सुंदर व्याख्या। आलोक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं क्या? हेलो आलोक जी। हाँ मैं जुड़ गया हूँ मैम, नमस्कार मैम, सॉरी थोड़ा कुछ काम के कारण मैं कुछ काम कर रहा था मैम। आपका बहुत हार्दिक धन्यवाद, चूंकि मैं पूरा सुन नहीं पाया हूँ, लेकिन जितना मैंने सुना वो मुझे लगा कि आपने भारतीय संस्कृति को व्याख्यायित करने की कोशिश बहुत अच्छे तरीके से की है। और उसमें जो भारतीय संस्कृति है, हम बड़ों को आदर सत्कार करते हैं, विनम्रता हमारी पहली जो हमारा पहला संस्कार है वो विनम्र होना है, और विनम्रता ही हमें आगे बढ़ा कर ले जाती है जिस तरह आपने बताया। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम, मेरी गलती है मैं आपकी, लेकिन मैंने वीडियो बना रखा है, मैं जरूर उसको सुनूंगा, मैं अंत का हिस्सा सुन पाया हूँ, मैं वीडियो को सुनूंगा और फिर वीडियो को सुनकर मैं फिर आगे आपसे बात करूंगा। आपने मैम समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर हम लोग आपसे जुड़ेंगे और नई एक सोच के साथ, नई बात के साथ मिलते रहेंगे। और आप मैम विदेश में हैं, और विदेश में होने के बावजूद आपने समय दिया, और इसके लिए आप, हम आपके आभारी हैं मैम, बहुत बहुत मधु मैम आप इसको थोड़ा हाँ, संभाल हाँ, बिल्कुल बिल्कुल मैं जस्ट अभी दो मिनट नहीं मैम ने बहुत बढ़िया संस्कृति, ये मधु का आग्रह था उस बोर्ड में टाल नहीं पाई नहीं मैम टाल नहीं मैम मेरे लिए तो ये है कि केवल मधु मैम का नहीं, हम सबका आग्रह था, हम सबका, हमारी पूरी टीम की तरफ से और सभी प्रतिभागियों की तरफ से मैम आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हम दिल से चाहते थे आपको सुनना, और आज सुनने की वो हमारी जो इच्छा थी वो पूर्ण हो पाई, उसके लिए हम आपके आभारी हैं मैम, और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए मैम। सो अगली बार फिर से मैम आप तैयार रहिए, हम फिर से जुड़ेंगे आपके साथ। सो धन्यवाद मैम, नमस्कार मैम, और सभी प्रतिभागियों का थैंक यू, प्रणाम मैम, प्रणाम ठीक है।